जिंदगी टुक ते रिलीअ जहिड़ी आऊं विछायां तूं न वेहीं छो न पोइ वेड़े छॾियां। हिननि लफ़्ज़नि जे ख़ालिक हसन दर्स जो इहो कमाल हो त हू शाइरीअ में मुसवराती अखि ऐं शाइरीअ जे कैनवास ते असुलु रंग रखंदो हो। संदसि शाइरीअ में जिथे फितरती हुस्नाकियुनि जो आबशारी ओलड़ो नज़र अचे थो, उते हक़ीक़तुनि जी चिटाई बि असुलु रंग में रंगियल महसूसु थिए थी। ऐं हसन पंहिंजी पूरी शायरी में लफ़ाज़ियत जी लिक लिकोटी रांदि कुॾणु बजाए पंहिंजी शायरीअ खे समाज आॾो आइनो बणाए थो। तॾहिं ई त शायदि हसन खे हुस्नाकियुनि ऐं हक़ीक़तुनि जी चिटाई कंदड़ शायर बि चयो वञे थो। एक शायर का वतन उसकी आंखें, वो खुश्की पे समंदर जैसी याद उसको आती है, वो लिखे अल्फाज कितना गुस्सा उसको आता है, वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गांव जाता है, वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गांव जाता है दूर, आज भी समझता है कि उसके गांव की तंग गली में जिंदगी अच्छी होगी, संग मरमर के कब्र पर चांदनी पड़ी होगी, वो सोचता है कि उसके भाई की बंदूक की नाली गर्म होगी, झील पर परंदों का झुंड फड़फड़ाता होगा और उसके भाई की सुर्ख घोड़ी बंदूक के फायर पर हिनहिनाती होगी। हसन दर्स जी शायरी जेका दरअसल ताज़ी गोहल चीकी मिटीअ जी खुशबू सरे फुलारी मोरनि जे टहकनि चांडरोकीअ चांडराण मुर्कुनि टहकुनि उमेदुनि दिलासनि गुरबत में घारींदड़ हारियुनि नारियुनि मज़दूरनि जे अहसासनि भरी शायरी आहे। सा शायरी समाज जी नब्ज़ शनासी जो बि मज़हर आहे। ऐं हसन दर्स जी शायरीअ में पूरी सिंध पिरीअ जो पाछो आहे, जेको वधाव या जग खे ॾेखाव न पर पंहिंजी धरतीअ सां गैर मशरूत इश्क जो इज़हार आहे। सारी सिंध पिरीअ जो पाछो, जेको जर ते जागे थो, थधि वसे थी वारीअ ते थूअर थूअर निंड करे थो, हिकिड़ो ख़्वाबु सुहानो जेको रोज़ अखियुनि में खेप भरे थो, कारो नांग मथां चांडरो की कारूं जर ते मोर नचे थो, मूंखे हिकिड़ो ख़्यालु अचे थो, सारी सिंध पिरीअ जो पाछो। हसन दर्स जी शायरीअ में जिथे सिट सिट सिंध जे इश्क जी शाइदी ॾींदे नज़र अचे थी ऐं संदसि तशबी हुन में नयूं रिवायतूं जुड़ंदे मिलनि थियूं, उते पंहिंजी ॿोली ते कमाल जी पकड़ ऐं इस्तेमाल नवनि शाइरनि लाइ मशाले राह बि आहे। दुको नेठ दाख़िल कयो मूं बि दिलि जो, लखे मण मोहबत ॿियनि जी ॿुॾी वई, रुॻो हुन उथी कर मोड़ियो सुबुह जो, चवनि था त धरती बि थोरी धुॾी वई। जिथे अहिड़े नमूने बेबाकी सां हसन जी शायरी में नवाण नज़र अचे थी, उते कांडेरे नाले हो हारी काल्ह मरी वियो सीअ तप में, कांडेरे जो डांदन जोड़ो पर सियारे में चोरन कयो, जंहिं ते कुते केॾो बायो, हा पर राति बि कारी आहे जंहिंखां तौबा ज़ारी आहे, छा छा थी तारीख़ फिलोरे चोरन जा थी पेरा ड्राहे, हुन जी ज़ाल त रिलियूं ठाहियूं केॾियूं प्यारियूं भलियूं ठाहियूं, जंहिंमें हुन हुई निंड बि टांकी पंहिंजो सारो नूर बि टोपियो, उॾड़ियल हर हिकु सूर बि टोपियो, ॼण हुन सारो देस सिबियो हो, पंहिंजो हर आसीस सिबियो हो, से बि वॾेरियुनि खे त वणी वियूं, जेकी आख़िर मुफ़्त खणी वियूं, हुन खे रहस वॾे वटि वेहंदे पूरो साल ई नाओ थियो हो, हेल फसल बि त ढिलो थियो हो ऐं लेखो बि त लाओ थियो हो, हुन खे कॾहिं ख़तु न आयो, हुन खे कॾहिं तार न आई, हुन जो कंहिंखे यादि न आयो, हुन जी कंहिंखे सार न आई, हुन जी का एड्रेस न हुई, हुन जो को घर नंबर न आहे, हुन जो घर आहे वाटर कप में, काल्ह मरी वियो सीअ तप में, कांडेरे नाले हिकिड़ो हारी काल्ह मरी वियो सीअ तप में। हसन जे हिन नज़म में कैनवास ते असुल सिंध जी तस्वीर नज़रे थी, जंहिंमें हणई रंग ऊअं जो ऊअं रखिया विया आहिनि। हसन दर्स जो इहो ई कमाल हो त हुन पंहिंजे दौर खां अॻु जे वॾनि शाइरनि जे सहर में मुब्तला थी न लिखियो, पर हुन सिंध अंदरि पंहिंजो अंदाज़ पंहिंजे ई अंदाज़ सां पंहिंजायो ऐं नवां तोड़े मुनफ़रद मौज़ू ऐं तशबीहूं मुतारिफ़ करायूं, जेकी अॻु सिंधी शाइरीअ में मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां हुयूं या भन अहिड़ियुनि तशबीहुनि खे ॿुधो न लिखियो वियो, जीअं लॻी वई लाड़ सां लओ अव्हां खे ॿियो भला छा चऊं,
असां के इश्क सारियन जा छंडे फूके छड़े तो पियो अवा मुर्की खिली आखिर हलिया व्या शहर पंजे डे असां जी गाल जे गलतां अन्या गोड़ो गड़े तो पियो हर माणुओं में मोर नचे तो हर माणुओं में चोर नचे तो तारुओं में तलवारूं तरंदड़ एकड़ो पूरो दौर नचे तो पर हर को दौर पिरोली आए व्यासन दर्स हिं भी लिखे तो उमिर जी आंगरियुनि मां ॾिस फुलन वांगे छणनि था पिया सजण सिगरेट सस्ते जियां सॼो माण्हू सड़े थो पियो सिंध के इन भलोड़ शायर जो सिंध टीवी नेटवर्क से भी सलाड़ियल रो अदबी महफिलन में भी पैंजी शायरी करे मुमताज रो संदस जन्म 5 सितंबर 1966 टंडोल अयार में थियो संदस सिंध का विछोड़ो रोड हादसे में 16 जून 2011 थियो हसन दर्स पैंजी इब्तदाई तालीम पैंजे गोठ में वरती 8 क्लास ताई मिडिल स्कूल मशाइख काजी अहमद में तालीम हासिल कयाई जैखा पोए उन मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल टंडोल अयार में कई जडे तो एम ए की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी में हासिल कयाई हसन दर्स के नंढपुण का ही शायरी से दिलचस्पी हुई उन 16 साल की जमार में शायरी करण शुरू कई संदस शायरी में फितरत के हसीन मंजर निगारी और सिंध की मोहब्बतुन के रंग से रंगियल शायर हो गडो गड संदस शायरी में तसवुफ पे बखंदे नजर अचे तो हसन दर्स जहा केतरा ही नज़म मशहूर थिया जिनमें अधी ही आजियाँ केड़ी रकासा विसालन की कैलाश वादी सारी सिंध प्रिय जो पाछो वगैरह मशहूर थिया